नमस्कार, मैं आपके साथ सुधा शाह और आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी देश की आन बान और शान की रक्षा के साथ ही राजनीति की धुरी को बदलने का काम किया है। मित्रों, में आप सबका इस विशेष वेबिनार में हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष का कार्यकाल कल संपन्न हुआ है। 6 वर्ष के अपने इस कार्यकाल के दौरान देश की आन मान शान की रक्षा के साथ ही इस देश के अंदर राजनीति की धुरी को बदलने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने किया है, जो केवल पहले नारों तक मुद्दे सीमित हुआ करते थे, उन्हें हकीकत में बदलने का कार्य मोदी जी ने किया। गांव को, गरीब को, किसान, नौजवान, महिलाएं, ये राजनीति की केंद्र बिंदु बनी और अपने शासन के 6 वर्ष के शासन के पहले 5 वर्ष वैश्विक मंच पर भारत की धमक को स्थापित करने, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, गांव के लिए, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबकों के लिए शासन की योजनाओं को पहुंचाने के लिए समर्पित करते हुए एक नए भारत की नींव रखने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से इस कार्य को और तेज करना, देश के अंदर अन्य तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही आज के दिन पर जो सबसे बड़े कार्य अन्य जो प्रारंभ हुए हैं, ये नारी गरिमा के ही प्रतीक आप देख सकते हैं कि सदियों से एक कुप्रथा नारी गरिमा पे कलंक के प्रतीक के रूप में थी, वो 3 तलाक की कुप्रथा थी। 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए प्रतिबंधित करना, देश के अंदर राष्ट्रीय संप्रभुता की प्रतीक जो लगातार राष्ट्रीय संप्रभुता को चुनौती दे रही थी और आतंकवाद की प्रतीक बनी हुई थी, कश्मीर की धारा 370, उसको समाप्त करने का निर्णय लेना, यानी आजादी के बाद जो एक ऐतिहासिक गलती किसी एक सरकार ने की थी उसका परिमार्जन करने के साथ ही देश की संप्रभुता को छूने बनाए रखने के लिए कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने की कार्रवाई करने और उसको आगे बढ़ाने के साथ ही अब यह भी व्यवस्था देना कि 15 वर्षों से जो लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं उनको वहां की नागरिकता ये लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐतिहासिक दिन भारत की अखंडता के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और ये कार्य इसके माध्यम से किया गया। नागरिकता संशोधन कानून, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदू समेत वहां के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जिनका शोषण हुआ है, जिनकी प्रताड़ना हुई है, इन सभी लोगों को वहां की भारत की नागरिकता मिल जाए, वर्षों से चली आ रही इस मांग को पूरा करने का कार्य हो रहा हो या फिर 500 वर्षों से
भारत की आस्था के प्रतीक श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने में एक सकारात्मक भूमिका के साथ आगे आने की कार्रवाई रही हो। ये सभी कार्यक्रम दूसरे कार्यकाल के दौरान सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का रहा है तो आतंकवाद के प्रति, नक्सलवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कैसे सरकार को कार्य करना है, देश में औद्योगिक वातावरण बने और नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हों, इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य विगत एक वर्ष के दौरान जिस सफलतापूर्वक और जिस दृढ़ता के साथ, जिस सकारात्मक सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने कार्य करके दिखाया है वह अद्भुत है, बेमिसाल है, देश और दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा है और मैं इस सब के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। संकट में कैसे देश का नेतृत्व होना चाहिए ये प्रतीक अगर हमें देखना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा समयबद्ध ढंग से दूरदर्शितापूर्ण तरीके से ले गए निर्णय का परिणाम है कि कोरोना संकट भारत जैसे 135 करोड़ की आबादी के देश में अगर आप संक्रमित रोगियों की संख्या और मौत के आंकड़ों की तुलना दुनिया के तमाम विकसित देशों से करेंगे तो भारत अपने को एक सेफ जोन में पाता है। सावधानी आवश्यक है, लॉकडाउन उसके लिए आवश्यक था और फिर जब लोगों की आदत का हिस्सा और लोग उसे अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं तो उसी क्रम में छूट भी एक एक करके अलग अलग स्टेजेस में देने की कार्रवाई जिस रूप में हुई और इस दौरान लोगों के सामने परेशानी आई होंगी इसके लिए पहले 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज देना, गरीब कल्याण पैकेज के रूप में इसकी घोषणा होना और फिर 2,00,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के माध्यम से समाज के अलग अलग तबके के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, पटरी व्यवसायियों के लिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के लिए और अन्य तमाम कार्यों के लिए, प्रवासी कामगार और श्रमिकों की आवासीय व्यवस्था, उनकी सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं की स्ट्रेंथनिंग के लिए, ये सभी कार्य जिस व्यवस्था के तहत व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेशन के लिए, ये अलग अलग कार्यक्रम जिस रूप में हुए हैं ये सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता, उनके समयबद्ध ढंग से ले गए सकारात्मक सोच का परिणाम है। एक वर्ष के द्वितीय कार्यकाल के प्रथम वर्ष की पूर्णता पर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को और केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से अभिनंदन करता हूं। एक सफलतम नेतृत्व और सकारात्मक सोच के माध्यम से भारत को जो यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है मैं इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं।